अबरे दों की गांव की यात्रा में हम इन गांव जाना छो जख अंग्रेजों का जमन में एक वीर सिपाही पैदा हुए छे और पहलू विश्व युद्ध में जय की वीरता ते देखी की अंग्रेजुल वे ते विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करी छे। जी हाँ, आज हम जाना छो जनपद चमोली को गांव काफुरतीर। यही गांव में पैदा हुए छे विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी। ये गांव की कई खूबी छिन। यूं खूबियों बटे की एक खूबी याच कि यख का लगभग हर घर बिटे की एक नौन फौज मां भर्ती छ। यो छ गांव को बाटो कफारतीर गांव को। ये गांव को इतिहास कनरे के रे के खैरी छिन के पीपता छिन तमाम जानकारी लीला यो गांव का लोगों से ही ये गांव का रहवासियों से। तो चल दो गांव काफुरतीर। घाम आना का दगड़ी गांव काफुरतीर का लोगों की दिनचर्या अपना काम धाने का दगड़ी शुरू हुए जान कुटेपे से शुरू हुए जान दीदी भूली घासों बने जान बैठ जिंदी बैठनों का दगड़ी बैख भी खेती बाड़ी और गोर बछरू में मदद कर दी। यु गांव खेती बाड़ी गोर बछरों और फल फूलों से खूब संपन्न। फलों में यक माल्टा सबसे ज्यादा होंगे। डाला लक दक बढ़िया रहेंगे। अब आप चल दो वे घरम जख विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी जन्म ले छे। यो वी घर च जख दरबान सिंह नेगी जी जन्म ले छे। यो उबर आप देखना छिन। ये उबर में ही उन जन्म लियो। यख की पहली किलकारी गूंज और यखी वो कोई लगान सीखी। ये थुमड़ी आप देखना छिन। ये सीढ़ी आप देखना छिन। यूं सीढ़ी में छोटी छोटी उंगली हथ खुटून उन गोय लगावला मथी गावला। क्या पता कैदम गणम गणम भी एक दुई घंटी गुंडी ख्याल लू लग बेल जरा तो बुएल वालो ले ददिल वालो ले बोबजिल वालो भैल वालो कि ना यख निजा दरबान पुला मिल जाए अभी छोटू जाए। फिर वो बड़वा होली बड़ा होने का बाद ये छजा आप देखना चाहिए। यही छजा में वो ठम 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 जाए हिरद रावला दौड़द रावला वो कबटे की कभी नन्हे लौड़ा छिन फाल मारे और फाल मरदा मरदा वो यूं पुंगड़ियों में यूं पुंगड़ों में यूं खेत खलियान में दौड़ी दौड़दा दौड़दा वो भर्ती हुई। अरे यो वो मकान च जब श्री दरबान सिंह नेगी जी रिटायर्ड हुई उनते विक्टर क्रॉस मिल और तब उन अपन मकान बने सगत मकान एक दुखंड छिन और एक छजाप देखने लगे छिन और वे कम अति ढाईपुर भी छिन। बहुत कुछ सुविधाओं से तय यो मकान और आप देखना छिन कि एक जंद्रु भी उर्खल भी और तमाम जो वे टाइम पर जो वे भगत पर जो सुविधा होनी चाहिए सब ये मकान में जुटेगी। ये मौके पर हम उन वे घारा का लोगों से जानकारी ले। बात कर दो ये गांव का प्रधान जी से। प्रधान जी आपका शुभ नाम? सुदर्शन सिंह नेगी जी। नेगी जी प्रधान पहल बड़ी चाहिए कि आप बताओ ये नवनिर्वाचित प्रधान जी क्या सोचे पूर्ण प्रधान गांव का विकास में अगर कोई भी भागीदारी अगर मेरी हो तो वजह से मैंने एक बार ये सोचे कि ये बार मैंने गांव का प्रधान बन के अगर गांव में कुछ कर सको तो ये सोच के प्रधान बन जाओ। क्या सपने देखे हैं गांव का विकास का खातिर के क्या हो सकते क्या समस्याएं छिन पहली गांव में समस्याएं तो बहुत स्कूल पहली प्राइमरी जे गाँव वास्तव हम बहुत कोशिश करिए और वो खुली तो एक बार अब बच्चे नहीं रहने से स्कूल बंद हो गए तो अभी भी ये कोशिश करना है कि एक तो स्कूल खोलो सड़क सड़कों की हालत ठीक नहीं है यख स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है और दूर संचार व्यवस्था सबसे बड़ी बात आज मॉडर्न युग है तो ये दूर संचार व्यवस्था हमारा इलाका में
बहुत ही खराब स्थिति दूर संचार की जी। और जन भारत सरकार को जो BSNL वगैरह तो ये माँ कभी छेंचू की स्थिति कंचक ये BSNL की तो एक बार सर्वे भी हुए छे लेकिन वे बाद कोई काम वाम शुरू नहीं हुई पापा जी। और के छिन विशेषकर जन आप बना छिन की या स्वास्थ्य से लेके हुए से स्वास्थ्य कितना दूर जाना पड़ता स्वास्थ्य स्वास्थ्य में यख बैठी तो अगर बाय रोड हम जला तो 30-35 किलोमीटर दूर छे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगढ़। और अगर कणव्याग जाला तो वो है कि आपको 35 और 20-45 मतलब 60 किलोमीटर मान के जाला जी। अब छोटू मोटू जन उपचार करना तो कोई सुविधा नहीं है तो क्या कर देना आप क्या कर देने के लिए सीधा एक बड़ी हॉस्पिटल जान के आप अकनो श्री हिम्मत सिंह नेगी जी। नेगी जी जी जो आप खोली का गणेश जी तमाम ये के बारे में बताओ क्या चीज़ सब कुछ सर। ये हमारे खोली का गणेश जी मोरी का नारायण जी ये पर हमारे जब दिवाली त्यौहार होना हम ये फूल चढ़ देना और पूजा कर देना गणेश की पूजा कर देना मेन। और जो आप ये दिखने से ये नाग सिर से हमारे नौ गाँव को नागनी माता को मेल होने या रेंस चौपतम हो तो हम ते माँ सम्मिलित होना और हर 20 दशक बाद हम ये मेला का कर दा और ते के बाद 9 दिन हमारे भंडारो लगा देता हूँ जे प्रसाद पश्चात की अनहोन की हम ये 9 दिन तक रात दिन बढ़ते जाना जो भी आदमी ये बटनो ते के पाप जब भी पाप करया होला सिर्फ कट जाना और ते के बाद लास्ट दिन 10वां दिन प्रसाद का रूप में हम ये प्रत्येक आदमी प्रत्येक गांव वाला अपना मकान पे ये प्रसादी का रूप मलिहन और ते के बाद अपना मकान पे ये लगा दा और ये अपना घर की रक्षा दूर प्रदेश में प्रसादी का रूप में देना और अपना मकान पर पेरे रख दा। ये गांव का लोगों का अपना अपना भूमियाल देवता भी छीन एक दगड़ी ही गांव का बीच में देव को एक मंदिर छ जखम लोग भगत भगत पर भजन कीर्तन कर दी। आवा बात कर दो यके के कुछ दीदी बुढ़ियों से। आप नो नंदी देवी जी। गांव में बहुत बड़ी समस्या छ के समस्या गांव में ये समस्या लाट पानी की समस्या छ ना तक भी पानी की समस्या छ एक बेली में मुंड में धोरी पानी बैठी ना उठे के तब तो बच्चा छ 20-25 बच्चा छ तब तक तो लोग बच्चा भैर चले गए पन्नो नाड़ गाड़ी पढ़े नहीं होने तो बने स्कूल बंद हो गई शिक्षा बड़ी दिक्कत शिक्षा हाँ ये बान स्कूल सो छ नहीं बच्चा कोई घर में नहीं कोई माँ नहीं कोई पापा नहीं स्कूल बच्चा छ नहीं बूढ़ा बूढ़ा सी ये अब 12 साल तक खाना हूँ बनाए सब कुछ 12-13 साल करीब 15 साल में थे तब ते बाद स्कूल बंद हो गया तो क्या कहते हो अभी तब हम बे सामो गए नाड़ वगैरह बोले तुम तो कुछ नहीं मिलल कुछ नहीं देने तो हम भी छोड़ देंगे बस तभी समस्या हुई। वो कब जब खाना बनाना जब भोजन करता जब भोजन बनाना जब बच्चों का तो मिल दो चाहे वो पैसा हाँ वो बात तो शुरू में 150 तक 5 साल बाद 500 रुपये हुए ते के बाद 1500 रुपये हुए 10-12 साल तो 1500 रुपये हुए अति बाद अब 2000-2500 जते हुए इति साल हो गया तब। और समय से किचन एक गांव में दूसरी चीज की जन सड़क भी आने चल लेकिन बड़ी नीच पक्की सड़क भी बड़ी बने लगी ये पक्की आजकल तो बहुत काम कर लें लोग खोलो हमें सड़क बहुत बढ़िया करी न काम धंधा बहुत बढ़िया काम करे आजकल। और महिलाओं को विशेषकर स्वास्थ्य की बात बीमार हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए बीमार हो जाए तो बहुत समस्या है ना तक आज हम यहाँ सोचल कि रोड़े हमारे गाँव में तो चलो जाए हम इतनी खुशी हुई कि रोड़े चलो कोई रात हमारे बच्चा ये अगिल साली ऑपरेशन हो यो पेट पीड़ा हुई तो रात यो गाड़ी छेची हमारे ना लौट तक गाड़ी आया गाड़ी में लेके नाड़ बगड़ गई तो रात दूर से भी जाए हाँ आप चाहते छो कि गाँव में हॉस्पिटल खुल जाए कुछ हाँ हॉस्पिटल खुल जाए मे भी कमर दर्द होने बहुत दिन भाई कई दिन हुआ 6-7 दिन तक दवा खाने में डेली तब जाके प्रोग्राम में जाने आने के क्या करने जानता सब बुढ़े आदमी हो गया कुछ जानने जानता तो जाने पन
क्या सरकार से क्या जाना चाहिए, क्या क्या मिल जाए? सरकार से हमें जाए कि हमारे हॉस्पिटल हो जाओ, लाइट पानी सही हो जाओ, हमारे जनता हो जाओ, हमारे बेटी बुआ स्कूल हम बढ़िया हो जाओ, या मत हमारे बेटी बुआ घर मोल हम खेती बाड़ी करल आइए चाहे हम कि क्या इससे ज्यादा क्या था। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम कुमारी रजनी भंडारी है। रजनी की क्लास में पढ़ दी? 10th। और स्कूल का नाम क्या? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साइंस खेतोली। शिक्षक की स्थिति कंचक सब गुरुजी लोग छैन? ना। हाँ, कई विषय नहीं छिन? सब विषय छिन। हाँ, पढ़ाई कन हूँ? ठीक। अगवाड़ी जाए तो क्या बन जान छे, क्या सोच कि नौकरी कर ले या क्या बन ले? पुलिस। घर में को छिन? बुआ लोग। अच्छा, और को छिन नाम बोले को छिन कतने छिन परिवार में को छिन तमाम बता शाबाश। बुआ, मामा, नानी, भाई। जन हमुन पहले बोल छे कि ये गांव का हर मौका घर में बरसों बेटी की आज तलक फौजम एक सिपाही जरूर रहे। आवा अब बात कर दो उन लोगों से जो पहली फौज में भर्ती छाए। अब बात करता ये गांव का 88 साल का पूर्व सैनिक जून कद गए ही लड़े लड़ी उसे प्रचलन उनको। आपका शुभ नाम? बहादुर सिंह नेगी जी। कपार तीर जी। आज आप रिटायरमेंट हुई? भर्ती कब हुई आप? भर्ती 19/11/1957 में जी। कब हुई भर्ती? लैंसडाउन। लैंसडाउन में आप भर्ती हुई ते के बाद आप कसम परेड ले ली, फिर आप फौज में जन गिन, फौज का अंग बन गिन। सुनाओ दी कथा क्या हुई? कथा क्या होता रंग रोड साल भर था रंग रोड करी लैंसडाउन में वही बाद साल भर बाद कसम खाए। कसम खाने बाद हम पलटन में छाने गए, पलटन में चले अपने पलटन में वह तक चार कंपनी थी, चार पलटन भी थी। तो अपने पर हमारे ये कंपनी थी तो वो फर्स्ट बलैन ए बी सी डी डी एड तय थी जी। तो वो बैरियन जी अभी तो मिक्स होएगी ना। तो जब साल भर में कसम खाए थे हम अपनी पलटन में गए फर्स्ट ग्रवाल में। फर्स्ट ग्रवाल वो बैरी मथुरा में थी, मथुरा में गए हम पलटन में। फिर 71 की लड़ाई में भी शामिल हुए? 71 लड़ाई में हम घर भी बुलाए तो लड़ाई में गए हम तो मलौट में थी हमारी पलटन फिरोजपुर बैगना। तो उबेर लड़ाई नहीं हमारे पलटन उबेर मैगनाइज में चली थी। तो उन लड़ाई नहीं लड़ी उन हथियार बड़ा बड़ा थी तो अगना लड़ाई नहीं करी पीछे नहीं बैठी जी। तो इन हम उबेरी ये जब मैगनाइज हुई पलटन तो वहाँ हथियार बहुत बड़ा बड़ा थे दूर तक मार के यख बैठी और समझ लो गोपेश्वर जोशी मठ तक हम ये हथियार थे। बात कर ला ये गांव का एक भाई जी से। आपक शुभ नाम? देव सिंह नेगी। नेगी जी हाँ। ये तो उम्र कद हुएगी? उम्र में 72 साल। 72 साल। शिक्षा का प्राप्त करी और फौज में चल गई ना? शिक्षा प्राप्त करी थे बजवाड़ बैठन खाते और वो एक बाल 1977 में फौज में भर्ती हुए लैंसडाउन। लैंसडाउन बैठन ट्रेनिंग करी 1.5 साल वो के बाद मैं 10th गढ़वा पाऊँ। 10th गढ़वा में गए 6 सेक्टर में जाम तबारे कुछ दिन बाद लड़ाई लगी। लड़ाई में हम लोग काफ़ी मेहनत कर पाए। क्या लड़ाई में गए ना आप? 71 पाकिस्तान लड़ाई में जी। आज जब पता लग दे कि विजय हम जीत गए तो कन लग दे कन बहुत खुशी हुई। कोई बताई बखाने नहीं कर सकता यानी हुए। और वे दिन इतनी फायर हुई आकाश में भरी पीली लाइटें जलने लगी क्यों ट्रेसर वगैरह फायर होने जाए तो बुझल बुझल घूम रहे रात भर बताइए लगभग दिवाली मनाए हम। तब जब विजय घोषित हुए तो तब हम वापस आ गए। तब गांव सैनिक बाहुल्य ये गांव मड़े की एक भैजी आपसे बात कर लम भर्ती की हम बात करना चाहते कई उम्र में भर्ती हुई है? मैं 21 वर्ष में भर्ती हुआ था और 71 दिसंबर 2 तारीख को मैं भर्ती हुआ। वे बाद में यप कंपनी में गए हम। यप कंपनी में हमने नौकरी करी। उसके बाद हम द्राब गए कारगिल। कारगिल में गए और श्रीनगर में भी टानी कैम्प था वहाँ पर रहे। वहाँ पर डल झील में घूमे
और दलजी घूमते हुए ड्राफ कमांडर हमारा नंदन सिंह नायक नंदन सिंह था उस समय जो कि जीशोज बने बाद में मैं, और उसके बाद हम कारगिल ब्रासिल पास पे गए थे। ब्रासिल पास में हमने बहुत अच्छी ड्यूटी करी जो कि ब्रासिल पास से दुश्मन का आना जाना होता था। हमको वहाँ पर बहुत डर भी लगी है, रात को बहुत डर से रहते थे हम, जो कि बिल्कुल पास था। पाकिस्तान से के डेग उठा के लाए हम, पानी का डेग, वहाँ से हम जर्किन, पानी का जर्किन भी लाए, पानी का जर्किन भरते थे उनके पोस्ट से उधर से, पर निडर थे। हाँ, बात कर दो ये गांव का है का जो पूर्व सैनिक है उनसे। सुबेर बड़ी के क्या दिनचर्या कर सकते, क्या कर दो सुबेर बड़ी दे? बस सुबेर वैसा अब घर की खेती बाड़ी, गोरु भैंसा, गाय को जंगल में ले जाते हैं, भैंस है उनको घास पानी वगैरह यही होती दिनचर्या घर की। भर्ती का ख्वाहिशा है? और भर्ती साहब में ग्वालियर हुए और जैक रेफल जम्मू का कश्मीर रेफल हुई देसी पलटन वो में भर्ती हुए। लड़े भी लड़े के? हाँ, ये कतौर मची लड़े के तौर में हम भर्ती हुए, वो ट्रेनिंग कोने चुके बस वो बात लड़े लड़े नहीं। जब भर्ती हुए तुरंत लड़ने लगे? ना हम ट्रेनिंग के अंडर में थे उस टाइम, ना ट्रेनिंग कर रहे थे तो कम हफ्ते थे इसलिए हमारे को नहीं भेजा हमने। लड़ाई देखी? लड़ाई तो फिर कहाँ से देखनी थी हमने, हम ट्रेनिंग कर रहे थे। कई पद बड़ी रिटायर्ड भी ना? हौलदार। हम गांव का बारे में और जानकारी लेने का वास्ता बात करी ये गांव का बासिंदों से। क्या मन में के टीस गांव का विकास के खातिर कि इन हो जो तो गांव फिर एक दो फिर? देखो सबसे पहले तो जो जो पलायन से रुकना पड़ा हम, है ना, जो कि वे बाद इनकम ऑफ सोर्स है कुछ, यानी कि छोटो मोटो कोई बिजनेस हो, जन दूध उत्पादन होएगी, जन जो कि हम यो मधुमक्खी पालन होएगी शायद, और इनमें जो कि छोटा मोटा जो बिजनेस हो, जो जन खेती लेके चलो में जन कखी आलू कखी प्याज वगैरह, यान मैंने छोटा मोटा बिजनेस हो जो, मतलब इन कह सकते आप तैयार बिल्कुल कह सकें कि यहाँ पर जो है बंदरों का बड़ा प्रकोप है। बंदरों के वजह से जो है हम गांव वाले क्या इलाके वाले बड़े परेशान हैं, सब लोग मेहनत करना बड़ी मेहनत करना बाद बंदर जो डर भी उठा के ले जान सामान, और फिर जंगली जानवर और भी हमेशा नुकसान है मरण, एक तो कभी प्राकृतिक आपदा वजह से कभी वन नहीं, अब वन भी तो बंदर सब खा जा, इसीलिए जो है ये हमारा है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो कुछ सोचना चाहिए। रात हो गया आप देखने लगे चिन और नींद भी आने खतोड़ू चट जड्डू भी जाम हो गए। आज दोपहर बैठे क्या घाम नीचा है, बादल छाया छा आकाश में, लेकिन अब आकाश में बस गहना चमकना चिन हम बैठे छो। एक विजेता छा वो भी, उन भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले छे, उनक नौ ठाकुर भीम सिंह ने की, उनका परिवार का और लोगों से आज हम फिर बात कर ला, उनका नाती जी से हम बात कर ला सीधा। आप शुभ नाम? मेरा हौलदार मगन सिंह नेगी। मगन सिंह जी, सारे गांव में ये सारे पृष्ठभूमि से जी गांव पहल बेटी कर आज तक सब फौज में छिन किले शुरू बेची वीर का था फौजी की, हर परिवार से ताकत एक, हर पांच परिवार में एक फौजी। अच्छा, वर्तमान में कितना लोग छीन या कितना परिवार छीन और पहल कदगा लोग रहना चाहिए काम? पहले तो इसमें 20-22 थे फौजी, आज की डेट में थोड़ा कम है, 10-12 तो होंगे ये भी नए पीढ़ी में। आप कख सेवा दे और को युद्ध आप लड़े? हम 1971 में लड़ाई लड़ी, उसके बाद श्रीलंका में लड़ाई लड़ी। मैं याद देखना चाहूँ कि आप वे बस सीना पर कुछ मेडल शोभा बढ़ाना छिन, तकमा चमकना छिन, कुको छिन और कब कब मिली ने? ये स्टार जो है 71 की लड़ाई का है, एक 25 ईयर्स का है और एक 9 ईयर्स का है, और एक इंडिपेंडेंट उसका है एक। आप लपड़ी का जीवन की जो संघर्ष की एक छोटी सी कहानी हम तक सुने और हमारा देख दरूते आप तक बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
राति खाना खाएगे साग भुजी खाएगे अर्जट भी लगन और एक हमारा चुलू भी आप दंगी दुड़ बुझ गए बोला कि आप सीणा भगत हो गया। लेकिन ये से पहले हम एक दीदी से बात करना। दीदी आप नो राधा जी। राधा देवी जी उम्र कद हुई आपकी? उम्र भी वही हो सार तक हुई से अब तो अखबी रोड चले गए ना, नहीं तो पैदल जान जी बहुत क्या। अब जब हाँ जी अब रोड चलेगी जी। अब ब्यो के तुम मालूम हुई छे आपको? ब्यो तो वे 70 साल है जी हो उम्र तबार तबार हाँ 70 साल लग गया छे अत शादी हुई। जब व्यू हो जाए था ना तो डोला में छा या पैदल या क्यों डोल यहाँ डोला वो पैदल डोला यख भी डोल गए और तो यख के डोल में आए। मैं की जब याद आ रावली तब कुछ खुदेड़ गीत एक गीत हम तो सुन मैं तो नहीं बोल दो गीत क्या बनता हम बुंजी घुगुती को घोल वो गुगुती घुरान लगे मेरा मैत की घुगुती घुरान लगी मेरा मैत की ऋतु बड़ी बड़ी एगी ऋतु चेत की। ये गाना लोकगीत और लोक नृत्य भी हुन रहे और हाँ ये गाँव में बीसी भगवा भी मने जान। आज जो च वीसी बगवाल मंगे जा जी हाँ वीसी बगवाल मने जाने चा खुशी का त्यौहार में किले के आज का दिन पर बोले गया है कि विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी ते विक्टोरिया क्रॉस मिल छा है इ खुशी में ये गाँव वाला वीसी बगवाल मंगन दिन और बगवाल मंगन दिन यहाँ का जो पारंपरिक लोक गीत छिन चाहे वो थड़िया हुए चौपला हुई चाहे छाँचर हुई चाहे और भी लोकगीत हुए ऊँते गई ऊँते गाय की ई खुशी तय मन दी और आप हम पिछले देना छिन कि दीदी बुली या कि तैयार हुए गिन कखी पटाखा बजना छिन तो कखी ये तैयारी हुए गिन और अब चल दो उनका बीच उनकी गीत और संस्कृति का दगड़ी। अब बात करते हैं एक गांव की एक दीदी से। दीदी आपक शुभ नाम? नाम हाँ। देव की देवी। देवकी जी मैं तो कक्षा आपक मैं तो तक होते नारायण बगड़ कता दूर चक बड़े एड़ा सणकोट हां एड़ा सणकोट आ एक बड़े दिखे छे ना यो वे नहीं दिखे नहीं दिखे ना नहीं दिखे। आ जब बण घास को जाना छे आप को कक जंदी ना आप घास को वो अबे भी नहीं देखिन वो बड़े नहीं दिखे ना सच खुद लगती छे तो खुद नहीं लागन ता हां अपन जलम भूमि लागन खुद मैं तो कोच अभी मैं तो सब तो मां बाप सब है बंद बुआरी भुल्ला सब भजिता। आज जब न्यो आपक ब्यो नए ब्यो हो चाहिए तो खुद भारी लग रहा होली खुद कुछ के दे लागने से कि हां खुद लागने से खुद कन के मिटाना चाहिए गीत गा के कल के खुद मिट जाए क्या
चलो एक सुंदर से खुदेर गीत सुंदर से क्या लगन गीत चार दिन समी में मेतड़ा जा हेला चार दिन सहमी में मेतड़ा जायलो हो म्यारा मे त्यों गोया करा जा हो रिउ चौ म्यारा मे त्यों गोया करा जा हो रिउ चौ चार दिन सामी में मेतड़ा जायलो चार दिन सहमी में मेतड़ा जायलो अपना भाई में वे खुद मी टलो अपना भा हम अपना सुंदर होते अधिक दर होते बता दूं लेकिन क्षेत्र जो नंद देवी को एक मायका और ससुराल से जुड़ी चा और एक बिजाम गीत यदि बोले जा के खुदेर गीत जो थी माँ नंद पर और पार्वती माँ पर आधारित छिन और कुछ इन बिगाड़ा चैन ये खुदेड़ गीत माँ तो आप सुन दो ये क्षेत्र की मांगल दीदी आपक नाम नीलम देवी और आपक सब दगड़े सुनाओ मांगल बोला ना बोला सागुना बोला बोला ना बोला सागुना श्रीया गणेश पहली सगुना श्रीया गणेश बोले जांदा कि भारत की संस्कृति गांव में बसीज सची हमारे उत्तराखंड की भी जो संस्कृति च सभ्यता च वो सारा हमारा गांव में बसीज दूर दराज गांव में भी आज आधा दादे रात में थड़िया चौपला चाँचड़ी बाजुबन ये सब लग दिन और मंगलेर गीत मंगलेरी दीदी मंगलेर गीत सुने की सुना की लोग होते भली शुभकामना दीदी यो छैगाँव जनपद चमोली को कफारती बड़ो ऐतिहासिक और वीर गाथाओं से भरी ऊँची ये गांव तो ये दगड़ी हम आज आपको कार्यक्रम एक में संपन्न करना चाहूँ लौटना चाहूँ अपने स्टूडियो देहरादून अपना टीम का दगड़ी नमस्कार।